नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सुदीप कुमार की रिपोर्ट के अनुसार बामनवास थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि अब बैंक जैसे संवेदनशील स्थान भी सुरक्षित नहीं है। बामनवास के कोयला में आज चार नकाबपोश बदमाशों ने देसी पिस्टल की नोक पर बैंक डकैती कर 5 लाख से अधिक की नकदी पार कर ली है। बीओबी शाखा प्रबंधक विष्णु गुप्ता ने बताया कि दोपहर बाद 2 बाइकों पर सवार होकर 4 बदमाश बैंक में घुसे और 3 राउंड फायर किए। इसके बाद कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर बैंक के कैश काउंटर में रखी 5,60,460 रुपए की नकदी पार कर ली। एकाएक हुई फायरिंग के चलते बैंक कर्मियों में दहशत फैल गई है। सूचना पर एएसपी सुरेश कुमार खींची, सीओ तेज कुमार पाठक और एसएचओ ब्रजेश मीना मैं जापता मौके पर पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू की। चारों बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नाकेबंदी की गई है। वहीं पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोयला में जो बैंक में जो घटना हुई है उसके बारे में बताइए। उसके बारे में सो रहा था ना पास में मकान में, जो उसने जुड़ता ही फायरिंग करी, उससे मुझे चेत होकर मैं आया, दिन में भीतर से पैसे लूट के और बाहर न करते देखे उसको, बाहर 3 बार फायरिंग करिए तो ताड़ा देख लगा के। अच्छा, बैंक के गेट के दिन लॉक लगा के फायरिंग की गई है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या पहन रखा था उनने? जींस का पेंट बुरशेट, एक पर सफ़ेद बुरशेट और चौखाना की काड़ी। लगभग टाइम कितना रहा होगा? 2:18 पे भी चल दिया ना जी। और क्या क्या देखा आपने? एक पे वो काड़ा बैग में जी पैसे ले गया, अब मोटो बैग और कितने तो पैसा कितने गया बगल में बैंक मिले। आज बैंक में वारदात हुई इसके बारे में बताइए। सर आज क्या है कि दिन में लगभग दोपहर का टाइम था, 2 से 2:30 बजे के लगभग का टाइम था, जब कुछ 4 लोग बंदूक लेके अंदर आए ब्रांच में। मैं शाखा प्रबंधक केबिन में बैठा हुआ था, मेरे साथ एक ग्राहक भी बैठे हुए थे और जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग करते हुए आया, जिससे क्या है हम लोग घबरा गए। तो एकदम से उन्होंने ब्रांच में केबिन में आके ब्रांच मैनेजर केबिन में आकर और हाथ पकड़ के बाहर निकलने को कहा, धमकाया थोड़ी, मतलब हम इतना घबरा गए एकदम से, कभी हमारे साथ इस तरह की घटना हुई नहीं थी तो ब्रांच में। और उन्होंने हमको लाके ग्राहक की लॉबी में बिठा दिया और फिर कैशियर को धमका कर कैश केबिन खुलवा कर और सारा कैश अपने गिरफ्त में ले लिया और लूट कर भाग गया। चारों के हाथ में रिवॉल्वर थी और चारों ने अपने चेहरे ढके हुए थे कपड़े से या मास्क पहना हुआ था किसी ने, और काफ़ी अग्रेसिव थे। मतलब टोटल कैश कितना था सर? टोटल कैश जो यहाँ से लगभग अभी हमें शुरुआती जांच में पता चला है लगभग 5,60,000 के लगभग कैश का कम पाया गया है। 5,60,000 हुई है जिसमें 5.5 लाख रुपये लूट कर ले गए हैं। तो इसमें सभी एंगल से देखा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहे हैं और भी जो भी है टेक्निकल असिस्टेंस में ली जाएगी, कर रहे हैं इसमें पूरा प्रयास जितना। सर ऐसा लग रहा है कुछ जवानी लड़के हैं, कुछ ज़्यादा यंगी? हाँ बिल्कुल, 25 साल के लड़के हैं, लगभग 20-25 साल की उम्र के लग रहे हैं लड़के।